वेलकम टू जेड पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो मेरा नाम गोवर्धन रेड्डी फ्रॉम हैदराबादी। सो मार्केटिंग इंडस्ट्री में 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस मार्केटिंग इंडस्ट्री में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में नियर अबाउट 7 साल का प्रोफाइल है मेरा को। सो जेड पे कॉइन स्टार्ट करके हम लोग अभी 4 महीने कंप्लीट होगा, 5th मंथ का अभी नाउ रनिंग में चल रहा अभी। सो क्रिप्टो करेंसी बारे में आपको क्यों मार्केट में लेके आए इस जेड पे कॉइन को बोल के वो बताएंगे। एक मिनट हम लोग पहले व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी मालूम कर लेंगे। सो इंडिया में प्रेजेंट अपने यूज़ करेगा डिजिटल करेंसी ट्रेंड में हम लोग जर्नी कर रहा हूँ। सो अभी कोई भी कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना बोले तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम ऐसा डिजिटल ट्रेंड में हम लोग यूज़ कर रहा हूँ। अगर दिस इज़ फ्यूचर करेंसी बोल सकते हैं इसको। सो फ्यूचर करेंसी के बारे में अभी आज एजुकेशन में भी ऑल इंडिया में ऑल स्टेट्स में भी ऑलमोस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी इंट्रोड्यूस कर रहा क्रिप्टो करेंसी बारे में। एक मिनट हम मालूम कर लेंगे। 2009 में इंडिया में बिटकॉइन स्टार्ट हुआ। यही 20-25 पैसे से स्टार्ट होके बिटकॉइन आज मार्केट में हाईएस्ट प्राइस को नियर अबाउट 66 लाख मार्केट टच करके 20 लाख प्लस अभी मार्केट में ट्रेड हो रहा। सो इसका बिटकॉइन को देख के टोटल वर्ल्ड वाइज नियरली 17,000 प्लस कॉइन्स मार्केट में आ गए दोस्तों। सो ऑलमोस्ट 95% कॉइन्स का फेल्यूर मार्केट हम लोग बहुत मार्केट में फेल्यूर ज़्यादा देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम इन इंडिया वर्किंग प्लान में सिर्फ 500 रुपये में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने का आपको मौका मिलने को चांस मिला अभी। सो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिर्फ कोई भी 500 रुपये में स्टार्ट कर सकता। 15 मिनट में 500 रुपये में हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैसा विजन रहता, कैसा फ्यूचर रहता वो मालूम कर लेंगे दोस्तों। दिस इज क्रिप्टो करेंसी का विजन है। अपना जेड पे का विजन आपको बता के प्लान में चले जाएंगे। सो जेड पे का इनका अभी स्टार्ट होके 4 मंथ्स हो गया, 5th मंथ स्टार्ट हो गया अभी। 50 पैसे से हम लोग कॉइन प्राइस शुरू करा मार्केट में अभी 2.5 रुपये में। नियर अबाउट 15,000 ऊपर प्लस कस्टमर्स ऑलरेडी जुड़े हुए इसमें। नियर अबाउट 200 प्लस अचीवर्स, मोबाइल अचीवर्स, बाइक अचीवर्स एंड कार अचीवर्स एड सक्सेसफुल भी कंप्लीट हुआ अभी तक। अब इसको पूरा वीडियो उसमें देख सकते हैं आप लोग डायरेक्टली। आपका कंपनी का प्राइस विजन मैक्सिमम उसका 50 पैसे में स्टार्ट हुआ, अभी 2.5 रुपये में चल रहा। सो मैक्सिमम 100 रुपये तक पहुंचने को चांस रहता दोस्तों। सो लेकिन नेक्स्ट इनको और एक पॉइंट है कंपनी का विजन में, उसका 2 पॉइंट आपको बताना। टोटल 18 मंथ्स का इनिशियल कॉइन ऑफर का अपना रनिंग में रहता, बाद में डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। ये 18 मंथ्स के अंदर 12 महीने को आपको यूटिलिटी कमिटमेंट दे रहा कंपनी। सो ये प्रोडक्ट से, ये कॉइन से आपको प्रोडक्ट खरीद कर सकते, मार्केट में रिचार्ज कर सकते, मोबाइल सर्विसेज भी यूज़ कर सकते। ये 12 महीने का बोले तो नेक्स्ट ईयर जून में आपको यूटिलिटी कमिटमेंट दे रहा कंपनी। नेक्स्ट 18 मंथ्स को रूट मैप एंड वाइट पेपर रिलीज करके डिसेंट्रलाइज कर देता दोस्तों। सो दिस इज अपना कंपनी का विजन है। नेक्स्ट इसका कंपनी का जेड पे कॉइन का प्लान आप लोग को मालूम कर लेंगे। जेड पे कॉइन स्टार्ट हुआ इन हैदराबाद से। सो इसे अभी स्टार्ट होके नियर अबाउट 5 मंथ्स कंप्लीट हुआ। इसमें से अभी 2.50 रुपये मार्केट में बिजनेस प्राइस से अपना प्राइस चल रहा। 500 रुपये में जुड़े तो आज का प्राइस हिसाब से 200 कॉइन मिल रहा दोस्तों। अगर विनायक चौथी ऑफर है, महीने 16 तारीख तक है, उसमें से डबल कॉइन ऑफर मिल रहा आपको, 400 कॉइन मिल रहा अभी। सो ये परचेज करने के बाद 100 डेज तक एक कॉइन लॉकिंग में रहेगा, स्टेकेबल में रहता। आफ्टर 100 डेज सेलेबल में आ जाएगा दोस्तों। सेलेबल में आने के बाद अभी फ्यूचर में कैसा भी इसका कैश कर सकते, कभी भी पिन जनरेट करके कैश कर सकता एंड नेक्स्ट सर्विसेज में यूज़ कर सकता, यूटिलिटी में यूज़ कर सकता, इस डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं कॉइन को। सो दिस इज बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने का तरीका है। सो सेकेंड ऑप्शन, इसमें से टोटल 5 पॉइंट्स रहेगा, वो मालूम हो गए तो ऑटोमेटिकली प्लान मालूम हो जाएगा। नंबर 1 स्टेकेबल कॉइन, नंबर 2 नॉन स्टेकेबल, नंबर 3 सेलेबल। सो टाइप ऑफ इनकम्स, इसमें 2 टाइप ऑफ इनकम है। नंबर 1 इसमें से नॉन स्टेकेबल इनकम और लेवल इनकम बोल सकते हैं इसको 25 लेवल में एंड रिवार्ड्स। ये 5 पॉइंट्स को हम मालूम कर लेंगे। स्टेकेबल कॉइन, इसमें कॉइन कमाना बोले तो एक ही ऑप्शन है, दिस इज वर्किंग प्लान है, वर्किंग मोड में कमाने का चांस है दोस्तों। सो वर्किंग मोड में कोई भी एक आदमी आपका तरफ से 500 रुपये रखे कस्टमर जुड़े तो आपको 100 कॉइन मिल रहा रेफरल इनकम। सो फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में 50 कॉइन मिल रहा, थर्ड लेवल में 37, फोर्थ लेवल में 22, फिफ्थ लेवल में 12, सिक्स्थ लेवल से 25 लेवल तक 6 कॉइन मिलते रहता दोस्तों। सो ऐसा 100 कॉइन से लेके 6 कॉइन तक 25 लेवल आपको इनकम मिलते रहता। आपका टीम में कितना टीम ऐड होते रहता वो हिसाब से आपको कॉइन
वैल्यू बढ़ते रहता, कॉइन्स बढ़ते रहता दोस्तों। अब इसके यही प्लान को अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आदमी, एक आदमी को रेकमेंड करा एक टीम को, आप वो टीम का ऊपर आपको 100 प्लेस में 150 कॉइन्स मिलेगा, वो टीम के ऊपर टोटल 25 लेवल वही रेशो में आपको कॉइन मिलेगा दोस्तों। सो थर्ड ऑप्शन, अगर अदर स्टेट में कोई भी एक आदमी को रेकमेंड करा, समझो उसमें से 100 कॉइन जगह में आपको 200 कॉइन मिल रहा, वो टीम का ऊपर 25 लेवल वही रेशा में आपको कॉइन मिलता दोस्तों। सो स्टेकेबल कॉइन, पूरा पूरा कॉइन किस में जाएगा? स्टेकेबल में जाएगा। सो स्टेकेबल कॉइन कमाने के लिए और दो रास्ता है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी रेकमेंड भी कॉइन कमा सकता मेंबर होने के बाद। इसमें एड क्लिक बोल के आपको एक ऑप्शन है, आज आप कंपनी में जुड़े हुआ आप लोग, नेक्स्ट 24 आवर्स बाद में ऐड क्लिक करेंगे, एक वीडियो 5 मिनट वीडियो देखिए तो 2 कॉइन डेली फ्री मिलता दोस्तों। सो 2 कॉइन पर डे फ्री मिलने का, एक 5 मिनट का वीडियो देखे तो वो कॉइन मिलेगा। आज का प्राइस हिसाब से 2.5 रुपये बोले तो 5 रुपये आपको उसका कमा सकते हैं इमिडिएटली। सो अगर यही कॉइन का फ्यूचर वैल्यू से करेक्ट करे तो नियर अबाउट 100 रुपये पर तक पहुंचने का चांस है, वो 5 मिनट का वैल्यू 200 रुपये कमाने का चांस मिलेगा आपको। सो वो हिसाब से टोटल साल को 360 डेज इंटू 2 कॉइन बोले तो डेली नियरली 720 कॉइन्स विदाउट एनी रेकमेंड एनी वर्क से कमा सकते हैं। 720 कॉइन्स आपको एक मेंबरशिप के ऊपर कॉइन कमा सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज एड क्लिक का कॉइन है। सो नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन कॉइन्स बोल के कंपनी को पेमेंट डाल के एक पिन परचेज करके आईडी एक्टिवेट करते रहते हैं एवरी मेंबर को। ये एक्टिवेट करने का सर्विस चार्ज को नीचे एवरी एक्टिवेशन के ऊपर 5 कॉइन्स आपको बोनस मिलेगा। सो 5 कॉइन्स बोलते डेली 10 अकाउंट को आप लोग एक्टिव करा समझो, 10 अकाउंट का ऊपर आपको 50 कॉइन तो सर्विस चार्ज मिलेगा। सो रजिस्ट्रेशन कॉइन्स एंड एड क्लिक का कॉइन्स एंड लेवल इनकम कॉइन्स, सर एवरीथिंग टोटल आपको स्टेकेबल कॉइन में जाएगा दोस्तों। स्टेकेबल बोले तो आपको साल के एक बार इनकम मिलेगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक साल में आप अकाउंट में 1 लाख कॉइन तक कमाया एग्जाम्पल। सो 1 लाख कॉइन में 1.9% बोले तो कितना हो रहा आपको? नियर अबाउट 1900 कॉइन्स होता। सो 1900 कॉइन्स इंटू मैक्सिमम प्राइस से कितना बताया आपको? 100 रुपये तक पहुंचने का चांस है। 1900 इंटू 100 रुपये बोले तो नियरली 1,90,000 आफ्टर 1 ईयर आपको रिलीज होता, वर्थ ऑफ कॉइन्स रिलीज होता दोस्तों। तो स्टेकेबल कॉइन में टोटल 1900 कॉइन रिलीज होने के बाद उसमें सेलेबल कॉइन का नीचे आ जाएगा। सेलेबल कॉइन आने के बाद आपको इसमें पिन जनरेट करके भी कैश कर सकता, सर्विसेज में भी कैश कर सकता आप लोग इसमें, एंड यूटिलिटी में भी कैश कर सकते, सेम टाइम डिसेंट्रलाइज होने के बाद एक्सचेंज में भी कैश कर, 4 ऑप्शन में एक सिस्टम में आपको कैश कर सकता दोस्तों। सो दिस इज स्टेकेबल कॉइन। स्टेकेबल कॉइन बोले तो याद रख लेना साल के एक बार। सेकेंड वन नॉन स्टेकेबल इनकम। सो नॉन स्टेकेबल इनकम कमाने का सिस्टम है, इसमें से एवरी 15 दिन के एक बार आपको इनकम मिलेगा। इसमें नॉन स्टेकेबल के लिए इंडिविजुअली काम करने का जरूरत नहीं है। स्टेकेबल कॉइन के लिए एक आदमी आपका तरफ से जुड़े तो ऑटोमेटिकली 100 कॉइन भी मिलेगा, सेम टाइम 32 रुपीज़ इनकम भी मिलेगा। ये भी 25 लेवल आपको नॉन स्टेकेबल भी इनकम मिलेगा आपको। फर्स्ट लेवल में 32 रुपीज़, सेकेंड लेवल में 15, थर्ड लेवल में 7 रुपीज़, 5, 3, 2, 1, 0.5, 0.25। अच्छा, 25 लेवल आपको नॉन स्टेकेबल इनकम भी मिलेगा, लेकिन उसमें से महीने को 2 बार विड्रा रहेगा, 15 तारीख 30 तारीख। विड्रॉल का डेट का 2 दिन पहले आपको विड्रॉल ओपन होता, 3 दिन का अंदर आपको विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसा महीने को 2 बार। सो इसमें कंडीशन एक है, सर मिनिमम विड्रॉल आपको 300 रुपये रहना पड़ता, 300 से कम है तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड होता। सो नेक्स्ट 15 दिन में विड्रा कर सकते हैं। 300 से ऊपर है समझो आपको कंपलसरी विड्रा रखना पड़ता, नहीं तो सेलेबल कॉइन को नीचे कन्वर्ट करके रख सकते हैं। अगर विड्रा नहीं रखे तो वो बर्न हो जाएगा। सो 100% आप लोग एवरी 15 दिन के एक बार एक विड्रा रख लिया तो आप अकाउंट में डायरेक्ट नेक्स्ट 48 आवर्स में अमाउंट पेमेंट डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज नॉन स्टेकेबल इनकम। नेक्स्ट थर्ड वन सेलेबल कॉइन। सेलेबल कॉइन बोले तो आपको 500 रुपये रख के ज्वाइन हुआ ना, ज्वाइन के 100 डेज तक लॉकिंग है, आफ्टर 100 डेज आपको सेलेबल के नीचे आएगा। बाद में बाइक अचेवर होने के बाद बाइक अचेवर के भी आपको महीने का EMI में भी सेलेबल आएगा आपको, एंड नेक्स्ट कार अचेवर हो गई तो भी 12,000 रुपये का महीने का EMI भी सेलेबल कॉइन आएगा। ये पूरा सेलेबल कॉइन का आपको आप कैश करने का है, याद रख लेना उसका। सेलेबल बोले तो आप कैश करने का रहता, नॉन स्टेकेबल बोले तो कंपनी से आप अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट होता, थर्ड ऑप्शन आपको स्टेकेबल बोले तो साल का एक बार आपको रिलीज होता। ऐसा टोटल एक बार काम करे तो भी स्टेकेबल में 1 लाख कॉइन में कंप्लीट होने के लिए 50 साल तक स्टेकेबल ईयर ईयर 1.9 रिलीज होते रहता दोस्तों। दिस इज 3 टाइप ऑफ कॉइन है। फाइनली हम लोग मालूम करना है इसमें रिवॉर्ड्स।
आपको ऑलरेडी इसमें से लेवल इनकम से बारे में बता दिया, नॉन स्टेकेबल स्टेकेबल का हो गया। सो नेक्स्ट रिवार्ड्स बारे में मालूम कर लेंगे। रिवार्ड में इसका परचेज का ऊपर रहेगा दोस्तों। सो फर्स्ट ऑप्शन आपको 69 पिंस आपको परचेज करना पड़ता। 69 पिंस इंटू 500 रुपए बोले तो 34,500 में आपको मोबाइल अचीवर हो सकता। मोबाइल अचीवर होने के बाद आपको डायरेक्टली 7,000 रुपीज़ आपको मोबाइल फंड मिलेगा, अकाउंट में डिपॉजिट होगा थ्रू नॉन स्टेकेबल इनकम। एंड नेक्स्ट पॉइंट, 69 पिंस को परचेस करने का तरीका दो ऑप्शन है। आपके एक ही बार भी 69 पिंस परचेस करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, फीड करने का टाइम लिमिट नहीं रहता। एंड 5, 10, 20 ऐसा रनिंग परचेज में भी 69 परचेज कर सकता दो ऑप्शन में। दिस इज मोबाइल अचीवर होने का तरीका है। सो सेकेंड ऑप्शन है बाइक अचीवर। बाइक अचीवर होने के लिए आपको 138 पिंस डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं दोस्तों। 138 पिंस इंटू 500 रुपए बोले तो 69,000 एक ही बार परचेज करके भी कर सकते। अगर रनिंग परचेज में बोले तो क्या होता है, मोबाइल अचीवर का 69 प्लस 138 काउंटिंग लेता हूँ। सो वो हिसाब से 138 पिंस जब कंप्लीट होता आपका ऑटोमेटिकली बाइक अचीवर बन सकता दोस्तों। बाइक अचीवर होने के बाद आपको 15,000 रुपए बाइक डाउन पेमेंट मिलता एंड महीने को 3,400 इंटू 34 मंथ्स मतलब नियरली 1,15,000 रुपीज आपको बाइक ईएमआई भी मिलेगा। मतलब नियर अबाउट 1,15,000 प्लस 15,000 डाउन पेमेंट, ओनली 1,13,000 आपको 30,000 मिलेगा, बाइक फंड मिलेगा दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन कार अचीवर। कार अचीवर होने के लिए आपको 1656 डायरेक्टली परचेस कर सकता इंटू 500 रुपए बोले तो 8,28,000 टोटल बिजनेस होगा उसका परचेस के ऊपर। फीडिंग का भी तो टाइम लिमिट नहीं रहता। और एक सेकंड वर्किंग मोड में भी कार अचीवर बन सकता। अगर 12 बाइक अचीवर को फॉर एग्जाम्पल 138 पिन परचेस करने वाला को आपको 12 आदमी को सिलेक्ट करके 12 आदमी टोटल 138 कंप्लीट करके बाइक अचीवर कंप्लीट हो गए तो आप बिकम ऑटोमेटिकली कार अचीवर बन सकता दोस्तों। कार अचीवर होने के बाद आपको 1,00,000 रुपीज का डाउन पेमेंट मिलेगा एंड महीने को 12,000 हिसाब से 60 महीने तक 60 मंथ्स तक आपको ईएमआई मिलेगा थ्रू सेलेबल कॉइन मिलेगा दोस्तों। नियर अबाउट 7,20,000 एंड अबो आपको ईएमआई भी मिलेगा, 1,00,000 रुपीज का डाउन पेमेंट भी मिलेगा दोस्तों। सो ये हिसाब से मोबाइल बाइक एंड कार अचीवर बन सकते। सो दिस इज रिवर्स अचीव सिस्टम है। फाइनली आपको ये सिस्टम में आपको दो पॉइंट बता के क्लोज कर देंगे। सो आपको इसमें डिसेंट्रलाइज एंड यूटिलिटी कमिटमेंट दे रहा कंपनी 12 महीने बोले तो 24 जून में आपको यूटिलिटी कमिटमेंट मिल रहा। वो पे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आपको मिनिमम 25 प्रोडक्ट से अपना प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा। नियर अबाउट मैक्सिमम 300 प्रोडक्ट्स तक पहुंचने को चांसेस रहेगा। सो यूटिलिटी में 2024 दिसंबर में सॉरी जून में आपको यूटिलिटी मिल जाएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट 2024 दिसंबर को डिसेंट्रलाइज कमिटमेंट दे रहा हूँ। एक वाइट पेपर रूट मैप रिलीज करके कंपनी टोटल एक्सचेंज वन ऑफ द टॉप 5 में एक्सचेंज में लॉन्च करने का कंपनी प्लान कर रहा। सो आपको ये कॉइन को 2024 दिसंबर में आपको एक्सचेंज में पहुंचने को चांस रहेगा। दिस इज अवर प्लान। थैंक यू।